अपने फिल्मों में अक्सर खूबसूरत एक्ट्रेस को IAS और IPS ऑफिसर्स का रोल निभाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय प्रशासन में भी ऐसी बेहद खूबसूरत महिला ऑफिसर्स हैं जो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। आज हम आपको कुछ सुंदर महिला IAS और IPS ऑफिसर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सुंदरता के चलते किसी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के बजाय देश की सेवा करने का फैसला लिया। तो आइए जानते हैं ऐसी सुंदर और बहादुर महिलाओं के बारे में। एक IAS या IPS अधिकारी के पद की जिम्मेदारी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। इसके लिए काम की दिशा में योगदान और क्षमता की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्मिता सभरवाल की। स्मिता साल 2001 के बैच की IAS ऑफिसर है। स्मिता का जन्म 1977 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने सेंट फ्रांसिसी डिग्री कॉलेज हैदराबाद से कॉमर्स में ग्रेजुएट किया। स्मिता पीपुल्स ऑफिसर के नाम से जानी जाती हैं। वो पहली महिला IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया। उनके पति डॉक्टर अकुन सभरवाल भी IAS ऑफिसर हैं। अब बात करते हैं दूसरी महिला IAS ऑफिसर रिजू बाफना की। रिजू बाफना छत्तीसगढ़ में जन्मी और पली बड़ी है। रिजू ने किरोड़ी मल कॉलेज से स्नातक और इकोनॉमिक्स में दिल्ली से मास्टर्स किया। इन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 में 77वीं रैंक हासिल की। अधिकारी बनने से पहले रिजू कैम्ब्रिज आर्थिक नीति एसोसिएट्स में काम कर रही थी। उन्होंने अपने बैचमेट IAS अधिकारी AV प्रसाद से शादी की है। आज हमने आपको बताया स्मिता सभरवाल और रिजू बाफना की। स्मिता दार्जिलिंग से संबंध रखती है और रिजू बाफना छत्तीसगढ़ की है। दोनों की ही कार्यशैली कमाल की है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो है इनकी सुंदरता, जो इनके काम में और भी चार चांद लगाती है। आज हमने आपको दो IAS ऑफिसर्स के बारे में जानकारी दी। आगे हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए khawasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.